बच्चों आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग दो का पाठ सत्रा पढ़ रहे हैं जिसका की नाम है वीर कुंवर सिंह बच्चों यह पाठ एक जीवनी है जिसमें वीर कुंवर सिंह जी के बारे में आप जानेंगे बच्चों आप लोगों के मन में यह सवाल चल रहा होगा कि हम वीर कुंवर सिंह जी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे जो देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वह अठारह की क्रांति था जिसमें हमारे लोगों ने अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करने का प्रयास किया था उस संघर्ष करने के प्रयास में इन वीर कुंवर सिंह का नाम भी लिया जाता है और जो ये वीर कुंवर सिंह थे उन्होंने उस उम्र में युद्ध लड़ा था जिस उम्र में लोग युद्ध लड़ना पसंद नहीं करते थे बच्चों ये बहुत बुजुर्ग हो चुके थे लेकिन इन के मन में अपने देश को स्वतंत्र कराने का इतना अधिक जज्बा था कि वे उस उम्र में भी अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हो गए और युद्ध ही नहीं लड़े बल्कि जगह जगह उन्होंने अंग्रेजों को परास्त भी किया हाँ बच्चों इन महान व्यक्तित्व वीर कुंवर सिंह जी के बारे में आज आप इस पाठ में पढ़ेंगे बच्चों मैं आपको यह पाठ पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको इस पाठ के परिचय की तरफ लेकर चलती हूँ आइए देखते हैं क्या है बच्चों वीर कुंवर सिंह पाठ में अठारह की के स्वतंत्रता संग्राम के नायक वीर कुंवर सिंह के जीवन शिक्षा सफलताएं और उनकी संवेदनशीलता के बारे में वर्णन किया गया है उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी बच्चों जब आप यह पाठ पढ़ेंगे तो आप वीर कुंवर सिंह जैसे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे और जानने के साथ साथ आपको उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ देखिए आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी हाँ बच्चों छठी कक्षा में एक पाठ है एक कविता है जिसका नाम है झांसी की रानी जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई थी यह पाठ आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और आपने पढ़ने के साथ साथ देखा होगा कि झांसी की रानी ने भी अठारह की क्रांति में अपना योगदान दिया था और उस पाठ में भी वीर कुंवर सिंह जी का नाम था इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए बच्चों जो झांसी की रानी कविता आपने पढ़ी थी उसमें एक पंक्ति थी जिसमें कि वीर कुंवर सिंह जैसे बहुत सारे वीरों का नाम था अब हम वीर कुंवर सिंह जैसे वीरों की उस पंक्ति को एक बार दोहरान करेंगे एक बार वापस पढ़ेंगे देखिए इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वर आए काम नाना धू धुपन ताँतिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम बच्चों ये जो पंक्तियां हैं ये हमारी झांसी की रानी कविता से ली गई है इन पंक्तियों में अठारह की क्रांति में जिन जिन बीर नायकों ने अपना अद्भुत योगदान दिया था उन सब के बारे में बताया गया है अर्थ देखिए इस स्वतंत्रता स्वतंत्रता महायज्ञ महायज्ञ में महा में यानी कि रूपी कई बीरवर काम आ गए यानी कि कई बीरों ने अपना बलिदान कर दिया बहुत सारे वीर शहीद हो गए जिनमें नाना दूध पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला इनके बहुत प्रसिद्ध नाम है जिन्हें की सब लोग जानते हैं अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम और इस स्वतंत्रता यज्ञ में अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे सुंदर सैनिक भी काम आ गए और उन्होंने अपना बलिदान किया बच्चों इतिहास भारत के इतिहास रूपी गगन में इनके नाम हमेशा अमर रहेंगे यानी जब जब क्रांति की बात आएगी जब जब स्वतंत्रता की बात आएगी तब तक इन महान व्यक्तियों को याद किया जाएगा चलते हैं आगे यहां स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है सन अठारह के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया बच्चों आप लोगों ने आपके सामाजिक ज्ञान की जो पुस्तक है उसमें भी अठारह की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा कि यह हमारे देश की प्रथम क्रांति थी जिससे कि अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए लोगों में जागृति पैदा हुई थी बच्चों अठारह का जो विद्रोह था वह सशस्त्र विद्रोह था यानी कि शस्त्र के साथ विद्रोह किया गया था और इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था यानी अब तक अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि ये भारतीय कुछ नहीं कर सकते हम इनके ऊपर ऐसे ही राज्य करते रहेंगे शासन करते रहेंगे, लेकिन 1857 की क्रांति ने उनका यह भ्रम तोड़ दिया भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था बच्चों जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे हमारे देश में आए थे तब वो सिर्फ व्यापार करना चाहते थे हमारे देश में आकर अपना व्यापार स्थापित करना चाहते थे लेकिन जब वो भारत में आए उन्होंने देखा कि यहाँ के जो राजा हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं उनमें फूट मची हुई है तो उन्होंने क्या किया फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया और धीरे धीरे हमारे देश में अपने पैर जमा लिए और उसके विरुद्ध अब विद्रोह शुरू हो गया था मार्च अठारह में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने को मंगल पांडे को 8 अप्रैल अठारह को फांसी दे दी गई बच्चों ये जो अंग्रेज थे इनके लिए जो भी बगावत करता था जो भी इनके लिए बोलता था यानी इनके लिए कहता था कि हमारे देश से चले जाओ या इनकी दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाता था उनको ये लोग फांसी की सजा दे दिया करते थे ऐसे ही बैरकपुर में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई देखिए 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत में शासक घोषित कर दिया बच्चों बहादुर शाह जफर हमारे देश में अंतिम मुगल शासक थे और इन लोगों ने ने क्रांतिकारियों क्या किया दिल्ली का शासक अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया यानी इस विद्रोह के बारे में जिस जिस को भी सूचना मिलती गई वो इस विद्रोह में शामिल होते चले गए कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत की विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा यानी कि कई महीनों तक हमारे देश में यह आग इतनी अधिक फैली कि हमारे विद्रोहियों ने हमारे देश के उत्तरी और मध्य भाग के विस्तृत जगह पर अपना कब्जा कर लिया अपने आधिपत्य में ले लिया दिल्ली के अतिरिक्त जहां अधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर लखनऊ बरेली बुंदेलखंड और आरा इसके साथ ही देश के कई अन्य भागों में स्थानीय विद्रोह हुए विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब तांत्या टोपे बख्त खान अजीमुल्ला खान रानी लक्ष्मीबाई बेगम हज़रत महल कुंवर सिंह मौलवी अहमदुल्ला शाह बहादुर खान और राव राम थे यानी जिन लोगों में अपनी भारतीयता की भावना बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में थी जो हमारे देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने के पक्षधर थे उन सारे के सारे लोगों ने अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी जगह पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया बच्चों आप जो ये चित्र देख रहे हैं ये बेगम हजरत महल का है देखिए आगे अठारह का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था यानी कि एक मजबूत कदम था आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम अठारह के आंदोलन ने किया भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है बच्चों अठारह की क्रांति ने हमारे देश में सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने का काम किया सब लोगों को एकजुट किया लोगों को यह समझ में आने लगा कि अगर हम एकजुट होकर अंग्रेजों का विद्रोह करेंगे तो अंग्रेज जल्द ही हमारे देश से चले जाएंगे अठारह के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है कुर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया हाँ बच्चों ये जो हमारे वीर कुंवर सिंह थे वो बहुत ही वयोवृद्ध थे वयोवृद्ध यानी कि बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति के थे इनकी उम्र बहुत ही अधिक थी लेकिन फिर भी इन्होंने अंग्रेजों का डटकर सामना किया वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती बच्चों आप जो यह चित्र देख रहे हैं यह वीर कुंवर सिंह का है कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन सत्रह ईस्वी में हुआ था उनके पिता का नाम साहब जादा सिंह और माता का नाम पचरतन कुवर था हाँ बच्चों इनके बचपन के बारे में हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है लेकिन यह तो पता चलता है कि इनका जन्म बिहार राज्य के शाहबाद ज़िले के जगदीशपुर में सत्रह में हुआ था और इनके पिता का नाम साहब जादा सिंह तथा माता का नाम पचरतन कुंवर था उनके पिता साहब जादा सिंह जगदीशपुर रियासत में जमींदार थे परंतु उनको जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए बच्चों इनके पिता को अपनी पारिवारिक जागीरदारी प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारे संघर्ष करने पड़े और जो पारिवारिक उलझने थी पारिवारिक समस्याएं थी उनके कारण इनके पिता इनकी बचपन में अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाए और जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए देखिए कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उधार स्वभाव के व्यक्ति थे बच्चों ये जो कुंवर सिंह हैं इनके पिताजी भी वीर थे स्वाभिमानी थे और उदार स्वभाव के थे और हर बच्चे पर अपने पिता का कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ता है जो हमारे वीर कुंवर सिंह हैं उनके व्यक्तित्व में भी उनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है पिताजी के जो ये गुण है वो भी वीर कुंवर सिंह में आ गए उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की वही उन्होंने हिंदी संस्कृत और फ़ारसी सीखी यानी बच्चों कुंवर सिंह जी को तीन भाषाओं का ज्ञान था कौन कौन सी तीन भाषाएं हिंदी संस्कृत और फारसी परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था बच्चों हर बच्चे का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता है ऐसे ही कुंवर सिंह का मन पढ़ने लिखने की बजाय घुड़सवारी तलवारबाजी और कुश्ती करने में लगता था और जिस काम में हमारा मन बहुत अधिक लगता है उस काम को हम बहुत ही कुशलता से करते हैं ऐसा ही वीर कुंवर सिंह जी के साथ था वीर कुंवर सिंह जी को घुड़सवारी करना तलवारबाजी करना और कुश्ती लड़ना बहुत अच्छा लगता था तो उन्होंने इन कार्यों में महारत हासिल कर ली थी यानी कि निपुणता हासिल कर ली थी देखिए वीर कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था यानी कि जो ब्रिटिश शासक थे वो हमारे देश के लोगों पर बहुत अधिक अत्याचार कर रहे थे उन पर तरह तरह के कर लगा रखे थे उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति कर रखी थी इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था बच्चों कोई भी कार्य कोई भी दमनकारी नीति अगर अपनी सीमा से अधिक स्थापित की जाती है तो उसके प्रति विद्रोह होना सहज ही है ऐसा ही अंग्रेजों के साथ हो रहा था अंग्रेज अपनी दमनकारी नीतियों को लागू करते जा रहे थे जिससे कि हमारे देश के लोग बहुत अधिक परेशान हो रहे थे और इन परेशानियों से पीड़ित होकर ही लोगों के मन में भयंकर असंतोष उत्पन्न हो गया था कृषि उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था बच्चों हमारा देश अंग्रेजों के आने से पूर्व सोने की चिड़िया कहलाया करता था लेकिन उनके आने के बाद उन्होंने हमारे देश की स्थिति बहुत अधिक दयनीय कर दी थी ना तो यहाँ कृषि अच्छी थी ना उद्योग अच्छे हो पा रहे थे ना व्यापार ही कर पा रहे थे लोग रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया बच्चों ये कितनी अजीब बात है देश हमारा और शासक वर्ग जो दूसरे हैं वो हमें अपने ही देश में होने वाली जो अच्छी नौकरियां हैं अच्छे पद हैं उनसे वंचित कर रहे हैं उनसे हटा रहे हैं उन पर आसीन नहीं होने दे रहे यह तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात थी इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई ऐसी स्थिति में कोवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया यानी अपने देश की दुर्दशा देखकर वीर कोवर सिंह ने दृढ़ निश्चय किया उन्होंने सोचा कि अब मुझे ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेना है यानी कि उनका सामना करना है जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे उन्होंने ही कुर सिंह के मन में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी उन्होंने बनारस मथुरा कानपुर लखनऊ आदि स्थानों में जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बनाते रहे बच्चों चूंकि हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था तो हम सामने से तो अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ भी नहीं करते थे लेकिन जो ये क्रांतिकारी लोग थे ये गुप्त रूप से गुप्त ढंग से अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारी सक्रिय योजनाएं चलाते रहते थे उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना हाँ बच्चों क्रांतिकारी जगह बदल बदल कर अपनी गुप्त रूप से योजनाएं बनाया करते थे लोगों को इकट्ठा किया करते थे ऐसे ही बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है सोनपुर सोनपुर पशु मेला तो इस पशु मेला को उन्होंने अपने लोगों के मिलने के लिए एक स्थान चुना सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है और यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है चूंकि बच्चों ये बहुत बड़ा मेला है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है तो यहाँ तो दूसरे राज्यों के दूसरे देशों के भी बहुत सारे लोग आते होंगे इसलिए उन्होंने सोचा कि यह सबसे उपयुक्त स्थान रहेगा लोगों को शक भी नहीं होगा अंग्रेजों को भनक भी नहीं पड़ेगी यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए विख्यात है यानी ये जो पशु मेला है इसमें हाथियों की खरीद फरोख्त होती है और बेचा जाता है इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाया करते थे बच्चों ये जो क्रांतिकारी होते थे इनको अंग्रेजों से बहुत अधिक डर हुआ करता था ये अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंका करते थे और अंग्रेजों को चकमा दे देकर ऐसी ऐसी जगह पर अपनी अपनी बैठकें आयोजित किया करते थे ताकि वो अपने कामों को अंजाम दे सके लोगों में अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह की भावना का संचार कर सके बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग दो का पाठ सत्रा वीर कुंवर सिंह का प्रथम भाग पढ़ा जिसमें आपने देखा कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे देश की क्या स्थिति हो गई थी और इस स्थिति को देखते ही वीर कुवर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लेने के बारे में सोचा और विविध तरीके से अपनी गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयास किया बच्चों इस पाठ का अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों नमस्कार बच्चों